Hello, darlings. It's show time. Hello, friends. Welcome to another episode of Bollywood This Week. तो फ्रेंड्स मैं अमर अंसारी, आप सभी लोगों का पैन वर्ल्ड सुपरस्टार डार्लिंग प्रभास की फिल्म कल की 2898 एडी के एक और एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई? तो भैया कल का दिन बहुत ही व्यस्त था, बट डेडपूल देख लिया भाई, धनुष की फिल्म देखकर सर तुड़वा ली अपना। इट वॉज एब्सोल्युटली हेक्टिक यस्टरडे। अनफॉर्चुनेटली कल रात को मेरी आंखें नहीं खुली, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया। लेकिन गाइस अब आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के एपिसोड में हम डे 29 यानी कि थर्सडे, डे 30 यानी कि फ्राइडे एंड डे 31 यानी कि आज सैटरडे के जो कलेक्शंस है उसको डिस्कस करने वाले हैं। नंबर वन। नंबर टू, हम 1100 करोड़ का जो पोस्टर है उसके बारे में बात करेंगे। नंबर थ्री, जो हिंदी वर्जन है उसके ऑफिशियल नंबर्स जो है उसके बारे में बात करेंगे। और भैया अभी शोज कितने बचे हैं उसके बारे में बात करेंगे, तो एक्शन पैक एपिसोड मिस मत कीजिएगा। इसी नोट पे एपिसोड आगे बढ़ाते हैं एंड जानने की कोशिश करते हैं एग्जैक्टली क्या हो रहा है मेरा भाई। सो गाइस शुरुआत करते हैं डे नंबर 29 की, यानी कि इसके थर्सडे कलेक्शंस की। ओके, थर्सडे यानी कि इसके फोर्थ वीक के लास्ट डे की। सो गाइस हिंदी का जो ऑफिशियल नंबर आया है वो 85 लाख, हमारा प्रेडिक्शन था 90। तेलुगु में इसने कमाए 57 लाख, तमिल में कमाए 9 लाख, 9 लाख्स, कन्नड़ा 2 लाख्स यानी कि 2 लाख, मलयालम 10 लाख्स यानी कि 10 लाख। इसी के साथ ऑन डे नंबर 29 यानी कि थर्सडे फिल्म ने 1.63 करोड़ का नेट बिजनेस किया। ग्रॉस होता है 2 करोड़ एंड ओवरसीज कमाई 70 लाख। इसी के साथ फिल्म ने 2.70 करोड़ का यहाँ पे वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करते हुए अपने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन को 1126 यानी कि 1126 करोड़ तक पहुंचा दिया है। मेकर्स ने फुल ऑन फायर लेवल पे जो है पोस्टर रिलीज किया 1100 करोड़ का, लेकिन मेकर्स ने 1100 करोड़ का पोस्टर 4 दिन के बाद रिलीज किया। फिल्म ने 1100 करोड़ 4 दिन पहले जो है, इनफैक्ट बहुत पहले जो है वो क्रॉस कर लिया था, एंड मेकर्स ने यहाँ पर 1100 करोड़ का पोस्टर लाने में बहुत ज्यादा यहाँ पर डिले कर दिया। तो गाइस 1100 करोड़ का पोस्टर आ चुका है, फिल्म का कलेक्शन 1126 करोड़ पर जो है एट डे नंबर 29 जो है पहुंच चुका है। तो फोर्थ वीक का पूरा कच्चा चिट्टा हमने डिस्कस कर लिया है। नाउ कमिंग टू द इम्पोर्टेंट हिंदी वर्जन। हिंदी वर्जन ने मंडे का कलेक्शन डे 26 का 1 करोड़ दिया है, डे 27 का 1.10 करोड़ दिया है एंड डे 28 का 1 करोड़। जबकि जितने भी ट्रैकिंग साइट्स है उसने मंडे को फिल्म को 60-65 लाख पर लाकर छोड़ दिया था। पर ये तो उनका काम है, ये वो करते रहेंगे। आप देखो साउथ की कोई दूसरे एक्टर की फिल्म आती है और प्रभास की फिल्म आती है तो कितना नाटक चलता है। कल ही रायन आई है, अरे बाप रे बाप, कुछ भी नहीं है नया फिल्म में, एकदम नॉनसेंस रूटीन स्टोरी है। बस थोड़ा एक्शन अच्छा है, धनुष की बहन का काम अच्छा, धनुष का काम अच्छा, बाकी सर में दर्द पिक्चर, इतना मारा मारी, अननेसेसरी टाइम पास पिक्चर है वो। उसके क्या रिव्यूज भाई, खराब रिव्यूज है तो हम कूल नहीं दिखेंगे ना। कूल के भी दिखना जरूरी है, जब तक कूल के 14 नहीं दिखेंगे तब तक नहीं चलेगा। लेकिन प्रभास की वही फिल्म आ जाएगी, मैं थैंक्स करना चाहूंगा प्रभास के फैंस का, उन्होंने साहो को वापस से यहाँ पर डिस्कशन में लेकर आया सोशल मीडिया पे। मैंने देखा साहो इज बीन डिस्कस्ड एट ह्यूज लेंथ्स आफ्टर आई यू नो डिस्कस दैट इन माय एपिसोड, एंड साहो का डिस्कस होना बहुत जरूरी है। साहो को उसका ड्यू मिलेगा, मैं मिलाकर रहूंगा उसके ड्यू को, क्योंकि वो फिल्म डिजर्व करती थी। उसका एक्शन वे अहेड है आज के टाइम से, उसका क्लाइमैक्स, उसकी स्टोरी, उसका प्लॉट वे अहेड है, प्रभास का स्वैग जो है वे अहेड है। तो गाइस देखा आपने किस तरह से फिल्म 1 करोड़ कलेक्शन मेंटेन की एंड डे 29 को 85 लाख कमाते हुए फिल्म ने 281.35 करोड़ जो है 29 डेज तक कमाया। ये सब भूल जाओ, अभी सब भूल जाओ, 1126 वर्ल्ड वाइड एंड हिंदी 281.35, सब वाइप इट आउट। नाउ कमिंग टू द फिफ्थ वीक यानी कि कल का डे नंबर 30, क्या सीन है पिक्चर का उससे पहले डिस्कस करते हैं कि व्हाट डू वी हैव इन हैंड नाउ। समझ में आ रहा है, शोज की बात करूं 3D की, हिंदी मुंबई में 60 शोज है एंड 2D में 72, यानी कि इन मुंबई वी हैव 132 शोज रिमेनिंग विद अस। ये शो काउंट इनफ है फिल्म को 2-3 करोड़ पे वीकेंड पे कमाने के लिए एंड वीकडेज पे लाखों में कमाने के लिए। हिंदी में कल ऑक्यूपेंसी जो थी 2D की 30% की थी एंड 3D की ऑक्यूपेंसी होती 40% की, जो कि क्रेजी है, इट्स मैडनिंग। बात करोगे इस दिल्ली एनसीआर की, 2D शोज जो है दिल्ली एनसीआर में 118 है एंड 57 3D यानी कि 175 शोज है दिल्ली में। पुणे में ऑल द वर्जन 61 शोज है, अहमदाबाद में 89 2D शोज है, सूरत में 72D शोज, यानी कि शो काउंट अच्छा है सैटरडे को इसको अच्छा टोटल देने के लिए। बात करते 2D तेलुगु की, हैदराबाद में 136 शोज है,
3D में 33, 169 शोज है, विजयवाड़ा में 46 शोज है, वाइजैग में 51। 3D वर्जन इज ऑलमोस्ट कंप्लीट फॉर द तेलुगु वर्जन। अब गाइस बात करते हैं कल की फ्राइडे की, तो फ्राइडे मुझे लगता है हिंदी वर्जन 70 लाख रुपीज कमाएगा। यस फ्रेंड्स, थर्सडे ही सुनने 85 लाख कमाया था, शोज अच्छे खासे कम हो गए हैं। कल डेडपूल रिलीज हुई है, सभी लोगों को पता है, रायन रिलीज हुई है, हाँ, तो हिंदी वर्जन डिस्पाइट हैविंग वेरी लेस शोज 70 लाख कमाना अपने आप में उपलब्धि है। एंड अब इसका टोटल जो है 282.05 करोड़ हो गया। ये हम कल के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि फ्राइडे के बारे में। हिंदी वर्जन 70-80 लाख कमाएगा, तेलुगु 40-50 लाख, रेस्ट ऑफ द लैंग्वेज 10 लाख। यानी कि येस्टरडे डे नंबर 30, ग्रैंड फिफ्थ वीक, फर्स्ट डे ऑफ द फिफ्थ वीक, फिल्म 1.30 करोड़ कमाई करते हुए ग्रॉस होगा 1.60। ओवरसीज देखेगा अभी कहीं ना कहीं 30-40-50 लाख के आसपास ही आएगा। ऐसे गाइस फिल्म ने वापस से वर्ल्ड वाइड 2 से लेकर 2.10 यानी कि 2 से 2.10 करोड़ कमाई करते हुए इसके वर्ल्ड वाइड टोटल को 1128 करोड़ तक जो है यहाँ पर पहुंचा दिया है। यानी कि फिल्म अभी 1128 करोड़ पर खड़ी हुई है। आज है सैटरडे, डे नंबर 31, यही होता है एक दिन का एपिसोड मिस करने की वजह से पूरा एपिसोड आप सभी लोगों को ऐसा प्रेजेंट करना पड़ता है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो थर्सडे का समझ लिया आप लोग, मैंने वाइप अप कर दिया। फ्राइडे का शो कौन बताया उसको वाइप अप कर दो। अभी बात करते हैं सैटरडे की, आज की 100 बात की एक बात। कल 70 लाख इस फिल्म ने कमाए थे, आज डेफिनेटली सैटरडे है, शोज में जंप देखने के लिए मिलेगा, एंड एडवांस बुकिंग काफी अच्छी हो रही है फिल्म की, तो आज ये फिल्म 2 करोड़ कमाने की कोशिश करेगा। इसी के साथ 2 करोड़ कमा के इसका हिंदी वर्जन 284.05 करोड़ चले जाएगा। एंड संडे 2.5 करोड़ रुपए कमाने या 3 करोड़ रुपए कमाने की कोशिश करेगा। धूम 3 का 284.27 एंड टाइगर 3 का 285.52 करोड़ का रिकॉर्ड जो है वो कल जो है सुबह टूट जाएगा। तो गाइस ये बहुत बड़ी बात है कि फिल्म यहां तक पहुंची है। अब 300 करोड़ का सपना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, फॉर कल की 289.80 लुक्स वेरी टफ। आई डोंट थिंक द फिल्म विल रीच 300 करोड़ नेट, क्योंकि नेक्स्ट वीक औरों में कहां दम है, उलझ है, तो शोज और कम हो जाएंगे। लेट्स सी गाइस, वीकेंड में करते करते भी फिल्म 2 करोड़ मैक्सिमम कमाएगी। आई थिंक 293-294 करोड़ पर कल की 289.80 के हिंदी वर्जन के कलेक्शन तो रैप अप हो जाएंगे। प्रमोशंस होता, आज भी 40 दिन पहले के एपिसोड याद करो जब मैं बोलता था तो तुम मुझे पागल समझते थे, वो थोड़ा पुश मिलता ना तो भाई ये 350-400 करोड़ कहाँ जाती या आप सोच भी नहीं सकते। और सर डन, अब जो हो गया वो हो गया, ऐसे प्रमोशंस हो गया। कल की 2 विल अर्न मोर देन 500 करोड़ नेट प्लस 600 करोड़ नेट ओनली इन द हिंदी वर्जन, ओनली इन द हिंदी वर्जन जब कल की 2 आएगी, ये बात याद रखना। बात करेगा यहाँ पे इसके अलग वर्जन की, तो मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी में तो 2 करोड़ आएगा, तेलुगु वर्जन की, तेलुगु वर्जन 1 करोड़ कमाने की कोशिश करेगा। लेट्स सी होता है नहीं होता। बात करो रेस्ट ऑफ द लैंग्वेज 30 लाख, यानी कि आज भी ये फिल्म कहीं ना कहीं 3.30 से यानी 3 से लेकर 3.30 करोड़ का नेट कमाएगी, क्योंकि एक मैड नंबर है 31st डे के लिए। तो ग्रॉस होगा 4, ओवरसीज आएगा 5, आज भी वर्ल्ड वाइड 4.50 करोड़ कमाते हुए अपने वर्ल्ड वाइड टोटल को 1132 से 1133 करोड़ तक जो है ये फिल्म यहाँ पर पहुंचाते हुए दिखाई दे रही है। अब गाइस मिलेंगे रात के एपिसोड में, इन डेप्थ बात करेंगे इसके बारे में कि एग्जैक्टली शोज क्या हुए, ऑक्यूपेंसी कितनी आई एंड कितना कलेक्शन जो है आया। आई होप गाइस अब तक के एपिसोड सभी लोगों को पसंद आया होगा। सॉरी कल रात का एपिसोड मैंने नहीं बनाया क्योंकि इट वॉज टोटल केओस। वो धनुष की पिक्चर देख के इतना मेरा सर चक्कर आ जाता कि मैं कब शाम को आके सोया, मैं सुबह आंख खुली मेरी। ओके गाइस, स्मैम एंड साइनिंग ऑफ, यू विल सी मी वेरी सून। एंड एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।